वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक क्रैश कोर्स चलेगा यूट्यूब पे, जिसमें हम प्रीलिम्स के मेजोरिटी पोर्शन जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। आपका नोटिफिकेशन आ गई है, जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ये जो एंशियंट हिस्ट्री है जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपके JKPSC एंड UPSC दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जब भी हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका एंशियंट हिस्ट्री हो गया, एक आपका फिर मॉडर्न हिस्ट्री आता है, एंड बीच में आपका मेडिवल वाला पीरियड आता है। तो तीनों पीरियड जो है हमें इंडियन हिस्ट्री के कवर करने हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम एंशियंट हिस्ट्री से। पहले मैं आपके चैनल का थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ। इस पे मैं कोर्सेज करवा रही हूँ आपके JKSSB के एंड सिविल सर्विस एग्जाम्स के। ठीक है, तो क्या आपको करंटली मेरी चैनल पे क्या क्या मिलने वाला है, तो आप देख सकते हैं। एक हमारा नायब तहसीलदार का कोर्स चल रहा है, ठीक है, जो स्टार्ट होने वाला है 1 अगस्त से। एंड KS का जो मेंस बैच है वो भी अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा। पटवारी की टेस्ट सीरीज करंटली ऑन गोइंग है, एंड सोशियोलॉजी ऑप्शनल बैच भी अगस्त में स्टार्ट होने वाला है, एंड जूनियर असिस्टेंट टेस्ट सीरीज भी करंटली चल रही है। ठीक है, तो सारी चीजें अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं एंड ये परचेज करना चाहते हैं, आपको लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आपको मेरी वेबसाइट पे जाके सारे कोर्सेज जो है परचेज कर सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री हम ट्रेस करते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम से, जिसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज ऑफ इंडिया, जिसको स्टोन एज भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये प्री हिस्टोरिक टाइम होता क्या है? प्री हिस्ट्री कौन सा पीरियड है आपके हिस्ट्री का? ये वो वाला पीरियड है जिसका कोई लिटरेरी एविडेंस नहीं है। नो लिटरेरी एविडेंस, दैट मीन्स रिटन में कहीं हमारे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है इस टाइम के बारे में। ठीक है, अब अगर रिटर्न में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें नहीं पता प्री हिस्टोरिक टाइम कैसा था, तो हम फिर क्या पढ़ रहे हैं? हमें कैसे पता चला कि प्री हिस्ट्री में ऐसा होता था, ऐसे टूल्स यूज होते थे, लोग ये खाते थे? वो हमें पता चलता है मेजरली एंड ओनली, आप बोल सकते हो क्योंकि लिटरेरी तो है ही नहीं, ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हमें प्री हिस्टोरिक टाइम्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, अब ये जो प्री हिस्टोरिक एज है, इस प्री हिस्टोरिक एज को भी हम तीन में डिवाइड करते हैं। इसको हमने डिवाइड किया है तीन फेजेस में। एक है आपका पैलियोलिथिक, सेकेंड वन है आपका मीजोलिथिक, एंड थर्ड वन है आपका नियोलिथिक। ठीक है, अब ये जो फेजेस में डिवीजन हुआ है प्री हिस्टोरिक टाइम का, ये कैसे फेजेस में डिवीजन हुआ है, किस बेसिस पे आपने हमने इसको डिवाइड किया है? इसका डिवीजन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द टूल्स दैट वर यूज्ड। ठीक है, उस टाइम पे जैसे मैंने आपको कहा प्री हिस्टोरिक को स्टोन एज बोलते हैं, क्योंकि पहले इंसान के पास क्या था, ये मेटल्स वगैरह कॉपर ब्रॉन्ज ये तो बाद में आए। ठीक है, पहले सामने इजी अवेलेबल क्या था, स्टोन। तो स्टोन से क्या करते थे, वो स्टोन को थोड़ा बहुत उसकी शेप वगैरह देके एक टूल बनाते थे, उस टूल से वो हंटिंग करते थे। ठीक है, वो जानवरों को मारते थे, बाद में उन्हीं जानवरों को खाते थे, अपना जो है गुजर बसर वो वैसे ही करते थे। ठीक है, तो उसी स्टोन एज के अकॉर्डिंग हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक। अब पैलियोलिथिक जो है इसको हम बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज, मिजोलिथिक को हम बोलते हैं लेटेस्ट स्टोन एज, या इसको मिडिल स्टोन एज भी बोला जाता है, लेटर और मिडिल स्टोन एज। एंड जो आपका नियोलिथिक है इसको बोलते हैं न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज, ठीक है, ये हो गया क्लियर। तीन पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। अब एग्जाम में कैसा आता है, एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकता है प्री हिस्टोरिक टाइम ऑफ इंडिया जो है उसमें फिर आपको स्टेटमेंट्स दी होंगी, हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास एविडेंस नहीं है, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर रॉन्ग, ऐसे करके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो हम PYQs भी डिस्कस करेंगे KS प्रीलिम्स के। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड अपना नोटिफिकेशन बेल जो है वो आइकन वो ऑन करेंगे, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक जो है वो डिस्कस करना है। अच्छा, इसमें और एक बात याद रख लो, जो लिथिक वर्ड है,
लिथिक, ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, लिथोस, ठीक है। पेलियो मीन्स ओल्ड, पेलियोस एंड लिथोस मीन्स स्टोन। एंड यहां से भी आप समझ सकते हो ये क्यों है, क्योंकि बेसिकली एज को ही हम स्टोन एज बोलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, पहले हम टाइमलाइन देखते हैं। जो पैलियोलिथिक टाइम है वो ट्रेस किया गया है 5 लाख टू 10,000 BC, ठीक है। फिर आगे चलते हुए 10,000 टू 7,000 BC आपका मीजोलिथिक वाला टाइम है, एंड 7,000 टू 4,000 BC वाला आपका नियोलिथिक वाला टाइम, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये चला गया ऊपर, ये हम स्टार्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पैलियोलिथिक से, ठीक है। अब पैलियोलिथिक एज को ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ स्टोन टूल यूज्ड, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्टोन टूल यूज्ड, अगेन हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है आपका लोअर पैलियोलिथिक, एक है आपका मिडिल पैलियोलिथिक, एंड द लास्ट वन इज योर अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, अब हम देखते हैं किस वाले जो टाइम पीरियड है, कौन से टाइप ऑफ स्टोन टूल्स यूज होते थे। तो जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड है उसमें जो टूल्स यूज होते थे उनकी कोई शेपिंग नहीं होती थी, तो विदाउट शेपिंग टूल्स, कोर इम्प्लीमेंट्स इसको बोला जाता है। उसका क्या मतलब हुआ कि जैसे दो पत्थर आपस में तोड़ दिए, तो एक पत्थर की थोड़ी कोई शेप, नेचुरल शेप जैसी भी निकली वो आपने यूज करी, ठीक है, अलग से उसमें कोई शेपिंग आपकी खुद की ऐड की हुई नहीं है। फिर मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, ये वो वाला टाइम है जब फ्लेक्स की शेप में आप यूज करते थे, दैट मींस अगर एक पत्थर से आप दूसरे पत्थर को मारोगे इस तरीके से मारोगे कि एक फ्लेक ऑफ स्टोन, एक लेयर ऑफ स्टोन अलग होता है, तो वो यूज होता था। दैट मींस यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे स्लाइट शार्पनिंग एंड स्लाइट शेपनिंग यूज की, थोड़े शार्प टूल्स यूज करने हम स्टार्ट हो गए, स्लाइट शार्पनिंग एंड स्लाइट शेपनिंग, थोड़ा बहुत जो हमारा टूल था वो एक शेप में आ गया। उसके बाद हमारा अपर पेलियोलिथिक पीरियड है, ये वो टाइम है जब ब्लेड्स यूज होने लगे, ब्लेड की शेप के, ठीक है, ये वो टूल्स थे जिनके शार्प एजेस हैं, फाइन। अब आगे देखें, जो हमारी पेलियोलिथिक सेटलमेंट्स हैं, पेलियोलिथिक सेटलमेंट ये मेनली किस एरिया से डिस्कवर हुई है इंडिया के, तो मेनली डिस्कवर हुई है पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन से, पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला रीजन है इसमें हमारी 8 स्टेट्स आती हैं, जैसे आपका राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड ओडिशा, ठीक है। तो जैसे ये इंडिया का मैप बनाते हैं जो करंट मैप है, ऑल्दो तब ये मैप नहीं यूज होता था, एक रफ फॉर्म में थोड़ा मैप ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है और बीच में ये एरिया, तो ये आपका आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हमारी स्टेट्स हैं, आपके वैसे ज्योग्राफी का पार्ट है तो मैं यहाँ पे फिर भी लिख देती हूँ, राजस्थान है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, ओडिशा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड केरला, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु,
और कोई अगर स्किप हुई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना, ठीक है। तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला रीजन है, यहाँ से मेजरली हमारी जो पैलियोलिथिक सेटलमेंट्स है वो डिस्कवर हुई थी। तो आगे चलते हैं। पहली जो देखो ये जो हमारा पोर्शन है एंशियंट हिस्ट्री का, इसमें कुछ कंसेप्चुअल नहीं है, मेजरली फैक्चुअल है, एंड फैक्चुअल क्वेश्चंस ही आपके प्रीलिम्स में आते हैं, ठीक है। तो पहला देख लो, जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ रॉक पेंटिंग्स, तो जो रॉक पेंटिंग्स है वो हमें किस टाइम पीरियड से मिली थी, वो हमें मिली थी अपर पैलियोलिथिक से, अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। एंड वो कहां से हमें मिली थी, अर्लीस्ट एविडेंस कौन सा है रॉक पेंटिंग्स का, थोड़ा इसमें काम कर लेती हूँ, डेवलपमेंट ऑफ रॉक पेंटिंग्स। एंड इसका जो अर्लीस्ट एविडेंस है वो हमें कहां से मिला था, वो हमें मिला था बिम्बेटका से, मध्य प्रदेश। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ हमारा रॉक पेंटिंग्स वो हमें मिले था बिम्बेटका एमपी। ठीक है, आगे से मेसोलिथिक टाइम पीरियड हमारा मेसोलिथिक। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, पहले आपको याद रखना होगा ये एक ट्रांजिशनल फेज था, ट्रांजिशनल फेज था फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग इन पैलियोलिथिक टू सेटल्ड एग्रीकल्चर इन नियोलिथिक, ठीक है। तो ट्रांजिशनल फेज था, अब देखो फ्रॉम, अभी हम मैंने आपको बोला पैलियोलिथिक में क्या होता था, हंटिंग एंड गैदरिंग, तो जहां पे पैलियोलिथिक में आप हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, दैट मीन्स एनिमल्स हंट वगैरह करते थे और उन्हीं को खाते थे, वहां से लेकर आप पैलियोलिथिक एज में पहुंचते हो जहां पे आप क्या करते हो, सेटल्ड एग्रीकल्चर यूज होता है, तो उसके बीच वाला भी कोई फेज आएगा ना, ऐसा तो नहीं है ना आज आप जानवर मार रहे हो कल आप खेती बाड़ी करोगे चावल उगाओगे, ऐसा नहीं होगा। तो बीच में ट्रांजिशनल टाइम भी आएगा, ट्रांजिशनल पीरियड आएगा जहां स्लोली स्लोली जो चेंजेस अडेप्ट होती जाएंगी। तो हंटिंग एंड गैदरिंग से हम कहाँ पहुंचे, हमारे नियोलिथिक वाले टाइम का जो सेटल्ड एग्रीकल्चर था, नियोलिथिक में सेटल्ड एग्रीकल्चर, उसके बीच वाला जो ट्रांजिशनल फेज था उसको हम बोलते हैं मीजोलिथिक, ठीक है, सेटल्ड एग्रीकल्चर। एंड यहाँ पे हमें और एक चीज क्या मिली थी, जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन हुई थी एनिमल्स की, एंड एक प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हमें सेटल्ड फॉर्म में मिला था नियोलिथिक में, लेकिन वो प्रिमिटिव रूडिमेंट्री आप उसको बोल सकते हो, इनिशियल स्टेजेस में डेवलप होना शुरू कहाँ पे हुआ था आपके, मीजोलिथिक में, ठीक है। तो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन, जो आप एनिमल्स वगैरह पालते हो डोमेस्टिक जानवरों को अपने पास, तो वो डोमेस्टिकेशन के अर्लीस्ट एविडेंसेस कहाँ पे मिले थे हमें, मीजोलिथिक एज में। तो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन, एंड प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो जो भी ये पॉइंट्स है काफी इंपॉर्टेंट है, ये पिछले केएसआईएस एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसीलिए ये आप ध्यान से याद रखना एंड ध्यान से अपने नोट्स में लिखना। तो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन एंड प्रिमिटिव एग्रीकल्चर हमें इस पीरियड में मिलता है। रॉक शेल्टर्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एक ओपन ड्वेलिंग होती थी जहां पे लोग रहते थे, ठीक है, कोई एक सेटल्ड या ओपन स्पेसेस में रहते थे, कोई ड्वेलिंग्स वगैरह स्टार्ट नहीं हुई थी, कोई घर या उस घर के शेप का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे लोग जो है पना ले सके वो डेवलप नहीं हुआ था पैलियोलिथिक में, मीजोलिथिक में रॉक शेल्टर्स एंड केव्स के फॉर्म में हमारे सामने आने लगे, ठीक है। और यहाँ के जो टूल्स थे उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था, एक माइक्रोलिथ बोलते हैं उनको, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक टूल ऑफ दिस एज। वो माइक्रोलिथ क्या है, वो स्मॉल स्टोन्स हैं, कि इस एज में हमें मिलते हैं माइक्रोलिथ्स, माइक्रोलिथ्स, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक टूल है इस एज का, माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक टूल ऑफ दिस एज,
ठीक है, इनको बोला जाता है स्मॉल स्टोन्स। स्मॉल स्टोन्स कितने स्मॉल थे ये? इनका रेडियस है 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। और यहाँ क्या देखने को मिलता है? बो एंड एरोस, तीर कमान। बो एंड एरो दैट मींस हंटिंग जो है वो यहाँ पे भी हुआ करती थी। ऑल्दो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है इस फेज में, लेकिन बो एंड एरो जो यहाँ पे डिस्कवर हुआ है उसे ये पता चलता है कि हंटिंग जो है वो यहाँ पे हुआ करती थी, हंटिंग। ठीक है, एंड यहाँ पे दफनाने की प्रैक्टिसेस, ब्यूरियल प्रैक्टिसेस उनको बोला जाता है कि कैसे अगर कोई मर गया उसको ऐसे ओपन स्पेस में नहीं छोड़ा गया है, उसको दफनाया गया है, तो वो ब्यूरियल प्रैक्टिसेस जो है वो यहाँ पे देखने को मिली थी। इससे हमें ये भी पता चलता है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो कल्चर था, हमारा नहीं इन लोगों का, कि जो कल्चर था वो अब क्या हो रहा था, वो सिविलाइज्ड हो रहा था, क्योंकि दफनाएगा कौन? ब्यूरियल प्रैक्टिसेस कहाँ पे होंगी? जहां पे एक सिविलाइज्ड कल्चर जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब आप सिविलाइज्ड हो जाते हो तो ही ये सारी चीजें दिमाग में आती हैं कि अगर किसी की डेथ हुई है, डेड बॉडी है, उसको दफनाओ, क्रिमेशन करो, उसको जलाओ, कोई एक प्रोसीजर करो, लेकिन उसको ऐसे ही हवा में नहीं छोड़ो। ठीक है, तो ब्यूरल प्रैक्टिसेस विच शोज दैट इट वॉज अ पार्ट ऑफ सिविलाइज कल्चर। तो जो हमारा मिजोलिथिक एज है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कहाँ की तरफ जा रहा था? एक सिविलाइज कल्चर की तरफ, पार्ट ऑफ सिविलाइज कल्चर। ठीक है, अब आते हैं नियोलिथिक की तरफ। नियोलिथिक, ठीक है, ये वो वाला पीरियड था जहां पे सेटल्ड एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। दैट मींस एक जो एग्रीकल्चर है अब अच्छी फॉर्म में आने लगा था, एक सेटल्ड एग्रीकल्चर। लोग अब एक जगह ही रहते थे और उस जगह पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो स्टार्ट उन लोगों ने की थी। तो सेटल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस स्टार्टेड हेयर। ठीक है, प्लस अब जो स्टोन टूल्स यहाँ पे यूज होते थे, स्टोन टूल्स वर नाउ पॉलिश्ड। स्टोन टूल्स वर पॉलिश्ड, ठीक है, एंड जो भी डेड होते थे उनको दफनाने के लिए, उनके ब्यूरियल के लिए लार्ज अर्न्स होते थे। उनको अर्न्स, अर्न्स एक स्ट्रक्चर है, अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे तो जैसे फ्लावर वास होते हैं आजकल के वो लंबे, तो वैसा ही एक स्ट्रक्चर अर्न की शेप का, वो दे वर यूज फॉर ब्यूरियल प्रैक्टिसेस। ठीक है, एंड नियोलिथिक पीरियड में हमें फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कहां से मिला? फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर वो हमें मिला मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से। ठीक है, तो मेहरगढ़ से हमें, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, वहां से फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिला। और इस फेज में हम देखते हैं इंक्रीज्ड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो जानवरों को ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिकेट किया गया इस फेज में। इंक्रीज्ड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एंड पॉटरी यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज हुई। पॉटरी वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम पॉटरी कहाँ पे यूज हुई थी? नियोलिथिक पीरियड में। ठीक है, वो पॉटरी किस टाइप की थी? ग्रे कलर्ड, कोर्स ग्रेवेयर। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, जैसे कौन सी पॉटरी यूज हुई, कहाँ यूज हुई, कब हुई, ये सारी चीजें आपके प्रिलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अगर सोचो पॉटरी यहाँ पे पहली बार क्यों यूज हुई, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सेटल्ड एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। जब आपके पास एग्रीकल्चर सेटल हो गया, दैट मींस अब आपके पास ग्रेन्स हैं, कुछ है जो आपको फर्दर स्टोर करने होंगे, चीजें स्टोर करनी होंगी ना, तो उस स्टोरेज के लिए आपको बर्तनों की जरूरत होगी, और वहीं से आपका जो पॉटरी है उसका जो है स्टार्ट होने लगा था, इमर्जेंस हुआ था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें, प्लस जो मड हाउसेस हैं वो पहली बार नियोलिथिक साइट में देखे गए थे। मड हाउसेस उनको बनाने के लिए यूज किए जाते थे बैम्बू लीव्स।
ठीक है। और यहां से हमें मिलता है एविडेंस रिलीजियस बिलीफ का, एविडेंस मैं इसको यहां पे लिख देती हूँ, एविडेंस फॉर रिलीजियस बिलीफ। कहां से हमें मिलना शुरू हुआ? नियोलिथिक साइट से रिलीजियस बिलीफ एंड स्टार्टेड द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। ठीक है, तो किस किस और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखो, मैंने आपको कहा इंक्रीज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो गई, तो किस किस जानवर को डोमेस्टिकेट किया जाता था? शीप, गोट एंड कैटल। ठीक है, एंड फर्स्ट एनिमल जो इंसान ने टेम किया, ठीक है, मैन फर्स्ट टाइम टेम्ड दैट मीन्स उसको काबू किया, वो इसी पीरियड में हुआ था, और वो किसको किया था? डॉग को। फर्स्ट एनिमल मैन टेम्ड वाज डॉग। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी तीन साइड्स जो है वो कंप्लीट हो जाती है, उनके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी होंगी। और यहाँ पे एक चीज मुझे भूल गई, वो आप लिख लोगे, याद रखोगे, ब्रूस फुट जो है ही डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक हैंड एक्स, प्री हिस्टोरिक हैंड एक्स। ठीक है, और मैंने आपको बोला ये हैंड एक्स कहाँ पे यूज हुई थी, ये लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने प्री हिस्टोरिक हैंड एक्स को डिस्कवर किया था इन 1863। कहाँ पे किया था? एक जगह पे जिसका नाम था अतिरम्पक्कम, अतिरम्पक्कम चेन्नई। ठीक है, तो ये भी आप यहां से याद कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करते हैं, मैं नहीं चाहती क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री में बच्चे यूजुअली बोर हो जाते हैं, मैं नहीं चाहती आप बोर हो जाओ। आज हम यही तीन कवर करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में हम स्टार्ट करेंगे हमारा चालकोलिथिक एंड आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, और उसके साथ ही फिर हम आगे जाके जो हमारे यहाँ पे गुप्ताज मौर्य वो सारे रूल चले थे वो डिस्कस करेंगे। तो टिल द टाइम आई अपलोड न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।